कल बंद रहेंगे स्कूल। भारी बारिश के कारण केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के कारण उत्तर पश्चिम भारत में मूसलाधार बारिश और दिल्ली में मौसम की पहली भारी बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में कई जगहों पर जलजमाव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। हालात को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली में पिछले दो दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात और मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए कल दिल्ली के सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद किया जा रहा है। कनाडा खालिस्तान के समर्थन में रैली करने वालों पर भारी पड़े भारतीय समर्थक, तिरंगा लेकर जताया समर्थन। केंद्र सरकार ने कनाडा में हुई इस घटना को लेकर नई दिल्ली में कनाडा के राजदूत को सोमवार को तलब किया और कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों पर डिमार्श जारी किया है। कनाडा में खालिस्तान के समर्थन में झंडा लेकर रैली करने वालों को भारतीय समर्थकों ने अनोखे तरीके से जवाब दिया है। कनाडा में भारतीय मूल के लोग भारत के समर्थन में हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। भारत के समर्थन में बड़ी संख्या में लोगों को देखकर खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन स्थल से पीछे हटते भी दिखे। दिल्ली के DCP ऑफिस में बाबा बागेश्वर का दरबार, हाथ जोड़कर बैठे दिखे दिल्ली पुलिस के अधिकारी। बाबा बागेश्वर करीब एक घंटा DCP ईस्ट ऑफिस में रहे। इस दौरान पहले तो सभी ने अपना परिचय दिया और फिर घुमा फिरा कर अपना भविष्य पूछने लगे। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में बाबा बागेश्वर की कथा का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में बाबा के श्रद्धालु पहुंचे थे। शुक्रवार यानी 7 जुलाई को बाबा की कथा का समापन हुआ और फिर दिल्ली पुलिस भी बाबा की भक्ति में रंगी नजर आई। पुलिस अधिकारी बाबा से विनती कर उन्हें DCP ईस्ट ऑफिस में ले गए। फिर क्या था, वहीं DCP ईस्ट ऑफिस में सज गया बाबा का दरबार, जहां पुलिस अफसर मीटिंग करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसी रूम में बाबा की गद्दी लगाई गई। इस दौरान DCP ईस्ट ऑफिस में वर्दी में दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी बाबा के सामने बैठे नजर आए और बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री बड़े सोफे पर अपने आसान पर झोले के साथ विराजमान दिखे। बाबा बागेश्वर के इस दरबार में जॉइंट CP, DCP, एडिशनल DCP और तमाम पुलिस ऑफिसर नजर आए। मणिपुर के हालात को लेकर केंद्र पर बरसे सचिन पायलट, कहां स्थिति को बिगड़ने दिया गया। सचिन पायलट ने कहा, सरकार ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है, कोई भी जिम्मेदार नहीं है, कोई भी इसमें शामिल नहीं है। राज्य सत्तारूढ़ दल दिल्ली में कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में हालात से निपटने के तरीके को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीत केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि राज्य में स्थिति को बिगड़ने दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर वास्तविक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह राज्य पर शासन करने का नैतिक और राजनीतिक अधिकार खो चुके हैं। पायलट ने कहा, मणिपुर जैसा छोटा राज्य जिसे सावधानी, सहानुभूति और करुणा के साथ संभाला जाना चाहिए था, वहाँ कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है।